दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बातें करने वाले हैं जहां लोग समाज और परंपराओं से कोई लेना देना ही नहीं रखते। यहां के लोग अपनी मस्ती की धुन में ही रहते हैं। इतना ही नहीं, वर्ल्ड की बेस्ट रम भी इसी देश में बिकती है और यहां का सी फूड बेहद ही अजीज माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे देश के बारे में जिसका नाम वहाँ के एक पेड़ के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, इस देश के लोगों को म्यूजिक सुनना, बीचेस पर मस्ती करना और गोल्ड का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ के लोग इंग्लिश भाषा में बात करते हैं और पैसों के रूप में यहाँ पर बार्बन डॉलर चलता है, जो भारत के 37 रुपए के बराबर आता है। भारत से 7 समुंदर पार बसा यह आइलैंड अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और इतनी दूर होने के बावजूद भी भारतीय यहाँ पर रहते हैं। यह एक हैरान करने वाली बात है, आखिर हजारों मील दूर भारतीय वहाँ कैसे पहुँचे। तो इसके पीछे का कारण है कि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तब भारत से बहुत सारे मजदूरों को दूसरे देशों में रेल की पटरी बिछाने के लिए भेजा जाता था और फिर सारे मजदूर इसी वजह से पूरी दुनिया में बस गए, जो फिर उसी देश में रहने लगे। बारबाडोस अरेबियन क्षेत्र का छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत देश है, जो केवल 432 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर 3 लाख के करीब जनसंख्या रहती है, जो जनसंख्या के लिहाज से दुनिया का 184वां बड़ा देश है। दोस्तों, कैरेबियन आइलैंड के सारे देशों में बारबाडोस को बहुत ही खूबसूरत माना जाता है। यहाँ के बारे में एक ही बात कही जाती है कि सबको एक बार अपनी लाइफ में बारबाडोस जरूर जाना चाहिए। यहाँ की खूबसूरती देखकर कोई भी दीवाना हो जाएगा, तभी तो दूर दूर के देशों के टूरिस्ट यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने आते हैं। बारबाडोस के लोगों के बारे में एक और फेमस बात यह है कि यहाँ के लोग खाली नहीं बैठते। अगर काम करने के बाद इन्हें समय मिलता है तो ये लोग डांस करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ की महिलाएं भी सड़कों पर आपको डांस करती नजर आ जाएंगी। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि बारबाडोस की रम सबसे बढ़िया होती है और यहाँ लोग इसका सेवन भी बहुत करते हैं, इसीलिए तो 432 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में 1500 रम की दुकानें हैं, जहां अनेकों प्रकार की रम खरीदी और बेची जाती है। इतना छोटा देश होने के बावजूद यहां की संसद दुनिया की तीसरी सबसे पुरानी संसद मानी जाती है, जो 16वीं सदी से सुचारू रूप से काम कर रही है। हालांकि इसके सदस्य दौर दौर पर बदलते रहे, पर यह आज भी कार्यरत है। गन्ने की खेती इस देश में अच्छी मात्रा में की जाती है, इसीलिए चीनी और गुड़ एक्सपोर्ट कर यहाँ के लोग सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। कैरिबियन यहाँ की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई महज 0.57 किलोमीटर है। वैसे तो बारबाडोस में ज्यादातर कामकाज समुद्र से होता है, पर खेती के काम में यह नदी काफी सहायता करती है। जनवरी के महीने में यहाँ सबसे अधिक बारिश होती है, नवम्बर में ठंड पड़ती है और बाकी महीनों में सुनहरी धूप के साथ साफ मौसम रहता है। यही कारण है कि जिन लोगों को बीचेस पसंद हैं, वो यहाँ पर छुट्टियाँ बिताने के लिए आते हैं। यहाँ के कानून के मुताबिक वेश्यावृत्ति माननीय है, क्योंकि बारबाडोस अधिक पैसे वाला देश नहीं है, इसीलिए काफ़ी सारी यहाँ की महिलाएं इस काम को करती हैं। समुद्र से घिरे इस देश में छोटे छोटे शहर हैं, जिनमें आधे से ज़्यादा आबादी बसती है। लेकिन जब यहाँ की सबसे सुंदर शहर की बात की जाती है तो उसका नाम है ब्रिजटाउन, जो न सिर्फ सबसे सुंदर है बल्कि बारबाडोस की राजधानी भी है। इस शहर को बारबाडोस का दिल भी कहा जाता है। इस शहर को 1628 में बसाया गया था 29,000 की आबादी के साथ। ये बात सुनकर आपको बहुत खुशी होगी कि अगर आप भारतीय हैं और आप यहाँ घूमने जाना चाहते हैं तो फिर आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं, केवल पासपोर्ट से ही आप बारबाडोस जैसे सुंदर देश में लंबा समय गुजार सकते हैं। दोस्तों, गायकी की दुनिया का एक बड़ा नाम रियाना भी बारबाडोस में ही पैदा हुई है। उनके गानों पर आज सारी दुनिया झूमती है। तो दोस्तों, ये था बारबाडोस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।